नमस्कार, लोकमत खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं आज दिनभर की बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया सवाल, पूछा कहां है देश का चौकीदार। इससे पहले राहुल ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस मामले पर बोलने और गुनहगार की तरह व्यवहार नहीं करने को कहा था। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, पहले ललित फिर माल्या, अब नीरव भी हुआ फरार। कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाला देश का चौकीदार। साहिब की खामोशी का राज जानने को जनता बेकरार है। उनकी चुप्पी चीख चीख कर बता रही है कि वो किसके वफादार हैं। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत, कांग्रेस ने भी किया शानदार प्रदर्शन। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद निकाय चुनाव के रूप में बीजेपी ने अपनी पहली परीक्षा में कांग्रेस को शिकस्त दी। राज्य में 75 नगर पालिकाओं में से बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की। शुरुआत में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही कांग्रेस को 27 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, अन्य को 4 सीटें मिली। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी। पीएम नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में बीजेपी ने 28 में से 27 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी ने मैसूर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे में पहले की तुलना में 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक काम हम लोगों ने किया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतने कम वक्त में पूरे वर्क कल्चर को बदलकर इतना ज्यादा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें आंख में सिर्फ धूल झोंकती थी। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर कमीशन के लिए काम करने का आरोप लगाया और लोगों से पूछा कि आपको कर्नाटक में कैसी सरकार चाहिए, कमीशन लेने वाली या मिशन वाली। सीबीआई, आयकर और ईडी की टीमों ने कानपुर में रोटोमैक कंपनी के मालिक के घर पर की जांच पड़ताल। रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी पर कई बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई टीम ने आज सुबह कानपुर के तिलक नगर स्थित विक्रम कोठारी के आवास पर छापेमारी की। विक्रम कोठारी के रोटोमैक समूह पर कुल 3,695 करोड़ रुपए की देनदारी है। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई टीम ने कोठारी के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की। लाइव मर्डर के आरोपी शंभुलाल रैगर ने जेल से डाला भड़काऊ वीडियो। राजस्थान के बहुचर्चित लाइव मर्डर कांड के आरोपी शंभुलाल रैगर ने सेंट्रल जेल के भीतर से एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी है। शंभुलाल ने जोधपुर सेंट्रल जेल से अपना एक वीडियो जारी कर खुद को जान का खतरा बताया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने शंभुलाल के बैरक की तलाशी ली लेकिन उन्हें कोई मोबाइल नहीं मिला। इस बीच उसकी बैरक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान, बीफ खाना है तो खाइए लेकिन फेस्टिवल मनाने की क्या जरूरत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बीफ पार्टी और किस इवेंट आयोजित करने वालों को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने इसके साथ ही संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में कार्यक्रम करने वालों की भी निंदा की। वेंकैया ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, आप बीफ खाना चाहते हैं तो खाइए लेकिन इसके फेस्टिवल का आयोजन क्यों। कुछ ऐसा ही मामला किस को लेकर भी है। अगर आप किसी को किस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फेस्टिवल की या किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।